ये आपकी बेगम है? जी सर, ये मेरी बेगम है। सर, इन्होंने किया क्या है? ओवर स्पीडिंग। एक डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की और बोल बोल के पूरा थाना सर पे उठा लिया। सर, इनकी तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूं। देखिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें, उन्हें शॉपिंग पे ले जाया करें, हर बात पे टोका ना करें। बीवियों की तो आदत होती है बोलना, मेरी वाली भी बहुत बोलती है, लेकिन आप वाली से थोड़ा कम। जी ठीक कह रहे हैं आप। लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई है, इसीलिए इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल। आप तो देखने में काफी नफीस आदमी लगते हैं, लेकिन अब बेगमा यू नो होती हैं, मोहब्बत का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाती है। जी सर, क्या करें, हो गई है मोहब्बत। देखिए, अब अगर आपने ये शादी कर ही ली है तो फिर उसे निभाएं, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बेटे के लिए। जी क्या नाम है बच्चे का आपके? सर नाम नहीं बताया उन्होंने। वो तो और भी बहुत कुछ बताने वाली थी, मैंने उन्हें चुप करा दिया। सर फरमीद नाम है। अच्छा, काफी डिफरेंट नाम है। जी जी थैंक यू। सर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेगम को लेके जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश कीजिए कि आइंदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। जी सर, आई विल मेक श्योर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें। जी सर, आपसे जरूर टाइम दूंगा। और इन्हें अकेले कहीं ना जाने दिया करें। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। That's good। और बेटा आप भी जरा केयरफुल रहा करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। खोल दो इन्हें। समीर, आप दोनों एक काम करें, आप दोनों अलहदा गाड़ी में चलें और मैं सुमित को बादशाह साहब के हुक्म के मुताबिक मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलो बस निकलते हैं यहाँ से। चलो चलें। मिसेस फरजाद खान,